जो ना हाथ लगा लीजिए जरा बस, थोड़ा भैया पीछे तो अधिकारी दब रहे हैं हाथी। ठीक सर, क्या मामला है आज? गुजरात में 2002 में जिस तरह के दंगे हुए, बिल्किस बानो नामक महिला के परिवार के 14 लोगों की जो निर्मम हत्या दंगियाइनों की, उसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। विगत दो दिन पहले 15 अगस्त को 11 के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। इस मामले में आज अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि दोषियों को रिहा ना किया जाए। उस नारी के ऊपर बेहद अत्याचार हुआ है जो कि महिलाओं के विरुद्ध है, और ये महिलाओं के विरुद्ध केंद्र सरकार, मोदी सरकार ऐसे फैसले कर रही है, ये देश हित में नहीं। तो हम लोग मांग करते हैं दोषियों की रिहाई निरस्त की जाए, उन्हें पुनः जेल में डाले।